हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल रेशमीस किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटपटी मीठी चटनी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो मैंने इसके लिए 1/2 kg टमाटर लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको इस तरह लंबे साइज में बड़े पीसेस में कट करेंगे। तो एक टमाटर को 4 या 6 पीस से ज़्यादा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। तो हम इसी तरह सारे टमाटर को कट कर लेंगे। तो मैंने सारे टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। और जब कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौंफ डालेंगे फ्लेवर के लिए, और 2 सूखी हुई लाल मिर्च को तोड़ के डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे जब तक यह लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक। आप चाहे तो इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम कटा हुआ टमाटर लेंगे और इसमें डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस का फ्लेम लो करके इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 10 मिनट हो जाए तो कवर को हटा देंगे। आप चाहें तो बीच बीच में इसे चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टमाटर में पानी अच्छे से रिलीज हो चुका है। तो अब इसको हम फिर से 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद हम फिर से कवर को हटा देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छे से सूख चुका है और टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसको मैश करेंगे। और अगर टमाटर नहीं पका हो तो आप इसमें फिर से 1 कप पानी डालकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर सकते हैं और इसे पका सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा टमाटर अच्छे से मैश हो चुका है। तो इसमें हम 1/3 कप चीनी डालेंगे, ये नॉर्मल वाले चम्मच से 6 चम्मच। अब इसे मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक। तो दोस्तों, टमाटर जब अच्छे से पक जाए तभी चीनी डालें, बिल्कुल लास्ट में, नहीं तो टमाटर भी नहीं पकते हैं चीनी डालने के बाद। तो अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब टमाटर की चटपटी मीठी चटनी बनकर रेडी है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे आप किसी भी चीज़, रोटी, पराठे या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी सिंपल पर चटपटी चटनी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी वीडियो।